नमस्कार, मील विथ लव हेल्थी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग के डुबके या मूंग की कड़ी। ये मैंने ली है 1 कप मूंग। ये साबुत मूंग है, आप दली मूंग भी ले सकते हैं, पर छिकल उसमें होनी चाहिए। और इसे मैंने सोख कर लिया है 2 घंटा। 2 घंटा भिगो के रख दीजिए, फूल जाएगी अच्छे से। इसके साथ मैंने कुछ चीजें भिगाई थी, ये है गंधरेणी। ये एक लकड़ी की तरह होती है, जड़ी की तरह, ये पहाड़ों में मिलती है, बहुत ही बेनिफिशियल है डाइजेशन के लिए। अगर मिले तो आप जरूर डालिए। और कुछ लौंग और कुछ मैंने इसमें काली मिर्च भी सोख कर ली थी, 1-2 ज़्यादा आपको नहीं करनी है। जाड़ों के मौसम में हम भट और गहत के डुबके खाते हैं, पर बहुत गर्मी है तो मूंग के डुबके आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब इन्हें पीस लेते हैं। एक डालते हैं हरी मिर्च और यहाँ पे डालते हैं हम टमाटर। यहाँ पर मैं आधा टमाटर ले रही हूँ, आप चाहे तो 1 भी डाल सकते हैं, ये थोड़ा खट्टा टमाटर है। अब हमें इसे कैसे पीसना है, इसे हमें दरदरा पीसना है, बहुत फाइन आपको नहीं पीसना है। ये देखिए, अगर आप बहुत फाइन पीसेंगे तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। दरदरा सा पीस लीजिए, देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आपके पेस्ट की होनी चाहिए। ये तैयार है, इसमें डालते हैं हम पानी और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से देखिए। ये ली है मैंने लोहे की कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और कढ़ाई ले सकते हैं, पर मोटे तल की वो होनी चाहिए। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें डाला है थोड़ी सी सौंफ और जीरे का तड़का, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हींग भी डाल लेंगे। यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक साइड आपको पानी रखना है, एक कटोरी में या एक ग्लास में, जिसमें भी रखें आप पानी रखें, और हाथ में करछी रखनी है। थोड़ा सा हल्दी डालते हैं और इसको हल्का सा हम यहाँ पर भून लेंगे। इससे क्या होगा, हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। हींग भी आप डाल लीजिए, या बाद में, या हल्दी के बाद या पहले। अब हमें करछी और पानी हाथ में रखना है, और किस तरीके से हमें डालना है बैटर को, वो आपको बहुत ध्यान देना है। अक्सर लोगों का बैटर डालते ही जल जाता है, वो क्यों, क्योंकि वो थिक बैटर उसमें डाल देते हैं। मैंने पहले बैटर को पतला कर लिया था, पर अब ये उतना पतला नहीं है। देखिए, थोड़ा सा पहले बैटर डालूंगी, जल्दी से इसे हिलाऊंगी और तुरंत इसके ऊपर मैं पहले पानी डालूंगी। ये देखिए, पूरा बैटर मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है और उसके ऊपर मैंने पानी डाल लिया है। क्योंकि जब तक आप इसमें बैटर डालेंगे, कोई भी डुबके आप बनाएं, ये जब तक आप इसमें बैटर डालेंगे तब तक वो जल जाएगा। अब हम अपना जो पतला बैटर किया है उसको डाल लेते हैं पूरा। फिर आप थोड़ा सा बैटर डालिए और तुरंत उसके बाद आप पानी डालिए और उसको जल्दी जल्दी से हिलाइए। आपकी जो ये डुबके हैं बिल्कुल भी तलने लगेंगे, आप ये अजमा के देखिएगा। पानी डालने के बाद जब हिला लें उसके बाद आप पूरा बैटर डालें, क्योंकि अगर आप पूरा बैटर एक साथ डालते हैं तो क्या होता है, डालने तक वो जल जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म कढ़ाई थिक हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए। इसको अच्छे से हिला लेते हैं। अभी हमने इसमें मेन जो इसके हर्ब्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो नहीं डाले हैं। वो क्यों, वो मैं आपको भी बताऊंगी। अधिकतर क्या होता है, जब भी लोग डुबके बनाते हैं तो लहसुन अदरक बैटर के साथ ही पीस लेते हैं, पर उससे क्या होता है, जो लहसुन है उसको पीसने में टाइम लगता है और बैटर हमें थोड़ा सा दरदरा चाहिए, तो हमारा जो पेस्ट है वो बहुत पतला हो जाता है। और देखिए, मैं साथ साथ बैटर को भी हिला रही हूँ, आप देखिए मैं काम छोड़ के बैटर को भी हिला रही हूँ। बैटर को आपको छोड़ना नहीं है, साथ साथ ही हमें ये काम करना है, क्योंकि इस डिश में थोड़ा सा टाइम लगता है। लहसुन छील लिए, पत्ते से मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, और यहाँ पर मैं अदरक भी एक डाल लूँगी, और यहाँ पर मैंने डाला है हरा धनिया के डंडे। हरा धनिया लाई थी सुधार के, मैंने उसका नमक बना के उसको प्रिजर्व कर लिया, और जो उसकी स्टेम बची थी उसको मैंने इसमें डाल लिया, और कुछ हरा धनिया भी मैं उसके साथ डाल लूँगी, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ, मैं आपको बता दी थी ये इसको हम बाद में क्यों डालेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर जल्दी से उबाल भी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये हमारे जो डुबके हैं उबाल आ जाते हैं, और जितना भी हमारे फ्लेवर्स हम इसमें डालते हैं वो जल्दी सब गिर जाते हैं और उड़ जाते हैं। पहले हम इसे कुछ टाइम काट लेंगे, 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम अपने जो ये हर्ब्स हैं, धनिया है, लहसुन है और अदरक है, ये डालेंगे, क्योंकि इसका ही टेस्ट इसमें मेन होता है। अगर हम इसे पहले डालेंगे तो इसका टेस्ट भी उड़ जाएगा, और पीसेंगे तो ये हमारा बैटर पतला हो जाएगा पीसते वक्त, तो ये इनको पीसने में टाइम लगता है। और अगर आपके बाई चांस आपकी डुबके गिर गए उबल के, जैसे दूध उबलता है ना, शुरू में ये ऐसे ही उबलते हैं, तो इसको कंटिन्यूसली आपको 10 मिनट हिलाना है, उसके बाद ये सेटल हो जाते हैं, इनका उबलना बंद हो जाता है। ये देखिए, ये पीस के मैं अब इसे डालूंगी। 10 से 15 मिनट बाद मैंने धनिया, अदरक और लहसुन पीस के डाला है। इन डुबकों का मेन इन्ग्रीडियंट यही है, धनिया, लहसुन और अदरक।
पहाड़ के खाने की यही खासियत है, इसमें फ्रेश और साबुत चीज़ें जाती हैं, साबुत मसाले जाते हैं जैसे अदरक, धनिया, हरी मिर्च, लौंग, काली मिर्च, इन्हें उसी समय पीसा जाता है और डाला जाता है, जिससे इसका फ्रेश अरोमा, फ्रेश फ्लेवर इसमें रहता है। हम पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई धनिया इसमें नहीं डालते हैं। इसे हमें काढ़ना है जब तक कि इसका जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, ये मलाई, काली मलाई ना जम जाए। कम से कम इसे हमें आधे से पौन घंटा तो काढ़ना ही काढ़ना, जितना काढ़ेंगे इसका टेस्ट उतना बढ़ेगा। नमक भी यहाँ पर आप डाल लीजिए, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको नमक बाद में डालना है। 20 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से उबल गया है। कभी आपको इसको तेज आंच में उबालना है और कभी आपको इसको कम आंच में उबालना है। सबसे पहले स्टेप में आपको ध्यान देना है, 10 मिनट आपको उसको लगातार हिलाना है, छोड़ना नहीं है। साथ साथ देखिए मैंने बहुत सारे काम इसके कर लिए हैं, अभी इस स्टेज में आ गया है 20 मिनट बाद, तो मैं यहाँ पर आधा ढक्कन लगा के रख लूँगी। देखिए सिर्फ हाफ ढक्कन मैंने यहाँ पर लगाया, आधा ही, ताकि गिरे भी ना और मैं इसे बीच बीच में हिलाते भी रहूँ, क्योंकि इसमें बीच में गैप है। ये अपने आप करता रहता है, मैं अब तक सारे अपने किचन के काम कर लेती हूँ। आज मेरी हेल्पर है नहीं, तो मैं साथ साथ बर्तन भी मल रही हूँ और इसे भी काट रही हूँ। जब भी आप किचन में बिजी हो सुबह या आपको कुछ काम करना है किचन में, तभी आप इसे रखिए, फटाफट बंद करिए, तैयार हो जाएगी। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, तो साथ साथ आप सारे काम भी निपटाते रहिए और इसे हिलाना मत भूलिए, ये तल में नहीं लगनी चाहिए। तभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी कढ़ाई है वो मोटे तल की होनी चाहिए। बीच बीच में मैं इसे ऐसे ही काट ले रही हूँ, मैंने ऊपर से ढक्कन लगाया है ताकि इसके छींटे ना पड़े इधर उधर, और अगर ये थिक हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेंगे और इसे फिर से 10 मिनट काट लेंगे। ऑलमोस्ट ये बन के तैयार हो गया है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ढक्कन लगाकर बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर गर्मी है, अभी हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गर्मी में हम भटके और गहज के डुबके नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं गर्मियों में मूंग के डुबके बनाती हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और ये देखिए ये बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, क्योंकि इसमें मलाई जमनी शुरू हो गई है। ये देखिए तब तक मैंने इतने सारे बर्तन भी यहाँ पर मल लिए हैं, क्योंकि आज हेल्पर छुट्टी में है। ये देखिए इस तरीके से जब मलाई बन जाए तो इसका मतलब ये बनकर तैयार है। अब आप इसे बंद कर सकते हैं। ये जो पहाड़ की ये डिशें हैं, इन्हें आप क्या करें, बना के रख लीजिए और 2 घंटा अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे तो इसका और फ्लेवर एनहांस हो जाएगा, बहुत ही एनहांस हो जाएगा, फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इसको ढक लेते हैं, अब हम इसमें देंगे तड़का। ये देखिए बनकर तैयार है, कम से कम 45 मिनट मैंने इसे पकाया है, आधे घंटे से 45 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। अब हम देते हैं इसे तड़का, गैस बंद करते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी ले लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब आपको इसमें तड़का किसका मारना है ये आपको बताती हूँ, और तड़का कैसे मारना है। घी को आपको अच्छे से गर्म होने देना है, जब घी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसमें तड़का लगाइए। घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, पहले जीरे को चटकने देते हैं। अब डाले मैंने ये जम्बू, ये भी पहाड़ की चीज़ें हैं, ये शायद प्लेन्स में ना मिले पर कोई भी उत्तराखंड के स्टोर में मिल सकती हैं। ये जम्बू मैंने डाल लिया है, इसका तड़के की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा हींग डाल लेते हैं, जम्बू नहीं है तो आप जीरे का और हींग का ही तड़का दीजिए। अब बहुत अच्छा गर्म तड़का होना चाहिए, और गर्म हमारे डुबके उसके ऊपर डालते हैं तड़का और तुरंत लगाते हैं इसके ऊपर ढक्कन। मैंने आपको बताया जब भी तड़का लगाएं तो तुरंत ढक्कन लगा कर आप बंद कर लीजिए, तड़के पैन को आप बाद में छाल कर डाल लीजिए। बहुत ही टेस्टी मूंग की डुबकी बनकर तैयार है, या मूंग की कड़ी भी आप इसे कह सकते हैं। गर्मियों में आप इन्हें बनाइए, खाइए और मुझे अपना एक्सपीरियंस दीजिए कि ये कैसे बने और आपको कैसे लगे। टमाटर आप इसमें ज़रूर डालिए, और जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे आप इसको छौकेंगे तो आप पहले थोड़ा सा डालिए, फिर इसमें पानी डालिए और जल्दी से आपको करछी चलानी है। आपको इनको 10 मिनट तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चलाते रहना जैसे आप कड़ी को चलाते हैं, नहीं तो ये उबल कर गिर जाएंगे। लहसुन, अदरक और हरा धनिया आप बाद में इसमें डालिए।